देवन नाम परमेश्वर की नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस समय भी परमेश्वर ने दिया हुआ एक अच्छा सौभाग्य के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पांच साल पहले मैं इस स्थान पर आकर मैं परमेश्वर के वचन में आपसे बांटा हूँ। मन कायुमा उस दिन पर हृदय के जो तकलीफ है उसे वो गांव को कैसे परमेश्वर चंगा करता है वो वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की थी। ऐक्य बाक्य आपकी सेवकाई को देखकर मुझे बहुत भाग्य लगा। कोरोना जबित कोरोना के समय में भी हम आपके लिए अधिक प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। नाम विनपी हमारी सब प्रार्थना को परमेश्वर ने सही समय पर उत्तर दिया। कोरोना एक महामारी भयंकर बीमारी जो है लोगों को मार चुका है। कत्तर नल्ला जीवन तंदर। लेकिन परमेश्वर आप और मुझे एक अच्छा जीवन दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय पर आपके साथ में आकर फिर से सेवकाओं में जुड़ने के लिए वाई परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छे अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब उतना ही नहीं स्थापना इस स्थान सभा कलिशिया में फेलोशिप ये फेलोशिप में अंग वही करे जो जुड़े हुए जो मेंबर्स है जो जिम्मेदारी लिए है जो चला रहे हैं देव पिल्ले सारे परमेश्वर के बच्चों यीशु क्रिस्त नाम यीशु मसीह के नाम से मैं आशीर्वाद करता हूँ। मैं सभी की ताली बजा कर मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा है जो हम मनुष्य से बात करके उनकी आवाज को सुनते हैं कई समय पर तवरी परमेश्वर हमें चलाने वाले मार्ग से हम बिछड़ जाते हैं। इसलिए आपके फोन को जब बंद करते हो कट्टी सत्य जरूर आप परमेश्वर की आवाज को आपके कान में सुन सकते हो। मनुष्य सत्य वेरे मनुष्य की आवाज जो है वो अलग है देवी सत्य वेरे परमेश्वर की आवाज जो है वो अलग है। आपने मेरे लिए सहायता की इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेद शास्त्र में कहा है नोकी पार्पे वचन में कहा जो गिड़गिड़ाता है मैं उसके लिए मैं आवाज सुनूंगा। कटुड़ वार्ते वो जब परमेश्वर का वचन आता है गणम उसकी जो आज्ञा है भयम उनकी जो भय भक्ति है कार्य जो उनकी कार्य जो हम करते हैं परमेश्वर जरूर हमसे बातें करेगा। हालेलुया पहले मैं आपका स्वागत किया हूँ। सेवकाई करने वाले हर एक बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करके मैंने आश्रित किया। साक्षी है इलासा रोमी छोटी सी गवाही मैं बताना चाहता हूँ उससे आप प्रोत्साहित होंगे करके मैं चाहता हूँ। यही पासवान जी ने मेरे से विनती किया था। चंद्रशेखर पासवान जी का नाम है वो चंद्रशेखर है। अपना कुटुंब पिंडल वो नाम से ही आप जान सकते हो हम कौन से बैकग्राउंड से आए हैं करके। हालेलुया हालेलुया देवन यलारी में तोड़वा परमेश्वर सभी को छूता है। अवर के मद मुख्य मल्ल उनके लिए जात महत्व नहीं है इनम मुख्य मल्ल उनके लिए पात मुख्य नहीं है। एंदे इडतिल आगलो कहीं भी स्थान पर और मणियन
एक मनुष्य देवनाय तेरी अगर परमेश्वर से जाना गया होगा तो जरूर उन्हें परमेश्वर बुलाएगा। पासवान जी का परिवार जो है तिरुची का अलीगलूर करके गांव में उनका जन्म हुआ था। चिन्ह वीटलोंगे கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாள், கடவுளை வணங்குகிறவள் காட்டு விராண்டி. அதனால சின்ன வயசுல இருந்து என்னோட வாலிப வயசு வரைக்கும் கடவுள் இல்லாங்கிற அந்த நாத்திக கொள்கையில நான் வளர்க்கப்பட்டேன். पासवान जी के बचपन से लेकर जब उनके जवानी में थी उनके घर में ऐसे बताया गया कि परमेश्वर है ही नहीं है, उनको मानना नहीं है, उनका पूजा नहीं करना, ऐसे उन्हें सिखाया था। जब वो बढ़कर आगे आए तब जब उनकी जवानी की उम्र थी तब एक मार उन्हें मिला था उनकी जिंदगी में। अपने अड़ी उड़ने जब वो मार उन्होंने खाया तब तक वो नीचे ही देख रहे थे। वो एक दिन मैंने ऊपर देखने लगा इस परमेश्वर क्यों मुझे संकट करके पूछा। मनुष्य के कष्ट जब मनुष्य को तकलीफ आती तभी वो ऊपर की ओर देखता है, तब तक वो पृथ्वी को ही देखता है। पासवान जी स्कूल में पढ़ते थे तभी उन्हें वो शिक्षा मिली थी, तभी उन्होंने ऊपर की ओर देखा। जब परमेश्वर की ओर देखा जब वो बुरा जिंदगी से बदल था तब जब परमेश्वर को स्वीकारने लगे तब 333 कोटि पर सभी भगवान को वो मानने लगे। एक समय पर भगवान ही नहीं करके उन्हें शिक्षा दिया था। उसके बाद भगवान को ढूंढने लगे। अचानक उनकी जिंदगी में एक अद्भुत कार्य हुआ। मद्रास तिरुची से वो मद्रास चले आए। मद्रास में सिनेमा पाकर मद्रास में आकर पिक्चर देखने के लिए गए थे। शाम के 6 बजे रोड बैंड येसु राजा वरुवार इन्हें कुछ काल मोच लोग अब रोड ड्रम अड़ी जाड्रा पड़े पाट पाड़ी ट्रैक्स कुटे। तभी रास्ते में मद्रास में वो ढोल बजाते हुए यीशु मसीह आने वाला है, समय काफी निकट है करके वो ट्रैक्स बांटते चल रहे थे। रास्ते पढ़ लीजिए ना सुना है उन्होंने कहा कि मेरे लिए काफी भगवान है, एक्स्ट्रा कड़वल वेंडा मुझे और एक्स्ट्रा भगवान नहीं चाहिए। अभी सोने वाले मैं ऐसे जैसे कहा पैसे कुड़ा दे उन्होंने कहा ऐसे नहीं बात करना है। और तिड़ी सोना उन्होंने अचानक कहा यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। ना उन्होंने कहते मैंने तुरंत पूछा उनसे लेटर बोटा क्या यीशु मसीह ने आपको लेटर भेजा है क्या। உடனே கூட இருந்தவங்க நிறைய சிரிச்சாங்க जो उनके साथ में थे वो सब हंसने लगे। அந்த பாஸ்டருக்கு கோபம் வந்துருச்சு। பாஸ்வான் जी को बहुत गुस्सा आया। அவர் பாஸ்டருக்கு जो ஷார்ட் டெம்பர் போல वो பாஸ்வான் जी बहुत क्रोधित थे। उठारे और आ रहे उन्होंने एक फटका बजाया इवर அடிப்பாரு லடிக்கவே இல்ல वो मारेंगे करके मैंने नहीं सोचा था। நீங்கலாம் எப்படி இயேசு ஏத்திட்டீங்கன்னு தெரியல। आप लोग ने कैसे यीशु मसीह को स्वीकारा वो मैं नहीं जानता। நான் ஒரு அரை வாங்கனே मैंने एक चाटा खाया गाल में। तभी यीशु मसीह को मैं पुकारने लगा और अड़े तभी उन्होंने जब फटका दिया था ना और सटे पुड़ी मैं उनका शर्ट को पकड़ कर ना और मुख कुत्ते उठे उनके नाक में एक पंच दे दिया और मुख उड़ी उनके नाक में मार लगा करके चिल्लाया तुम्हें एक सेवक हूँ तू सेवक को मार दिया। ये बाइबल तुकी यही बाइबल को लेकर इन द मिंटी स्ट्रीट ले ये सेवकाई में ना अदर संडे बोर्ड है ना मिंटी स्ट्रीट तंगसाले मद्रास ले दे इन द स्ट्रीट ले नी बाइबल तुकी की दे पास्टर निप्पना उन्होंने एक कहा था ये मिंट करके एक रास्ता है वो रास्ते में बाइबल लेकर आप एक पासवान जी के रूप में खड़े रहेंगे करके एक वाचा दिया था। हालेलुया हालेलुया उन्होंने बोला एक पास्टर के रूप में आप खड़े रहेंगे। पास्टर का मतलब इंग्लिश में मुझे नहीं समझा, मुझे लगा कि वो मुझे गाली दिए करके मैंने फिर से उनके एक फटका दिया।
ரெண்டு பேரும் நாங்க சண்டை போட்டுட்டு பாத்துட்டு दोनों झगड़ते हुए देखते हैं போலீஸ்காரர் வந்து போலீஸ் ஆயா ரெண்டு பேருக்கு மசால் தோசை கொடுத்தார் दोनों को एक मसाला डोसा दिया ஐயோ பயங்கரமாடி பயங்கரமா தேச்சிக்கிட்டு எல்லாரும் ரெண்டு பேரும் சார் இந்தால்தா சார் इतना मार मिला कि वो मसाला डोसा बहुत भारी पड़ गया था उन लोगों के लिए நல்ல சரியால குச்சி வச்சு ரெண்டு அடி अच्छा एक लाठी से उनके पिछवाड़े पे मारा था एक तो पासवान जी भी कान में चाटा लगाए थे पुलिस ने भी एक लाठी से पिछवाड़े पे मार दिया था वाली। अच्छा दर्द लगने लगा सर ला उनमें पढ़ लो सर उन्होंने कहा पुलिस से मैंने कुछ नहीं किया ना सिनेमा थिएटर के पड़ा मांगा पड़ा मैं पिक्चर देखने के लिए आया था ये यही पास्टर जी ने मुझे बोला यीशु आएगा करके यीशु वंदा नहीं पोपा यीशु आएगा तो तुम जा करके मैंने कहा रहे। मुझे क्यों बुलाते करके मैंने कहा मैं अच्छे से पिक्चर देखने जा रहा था मुझे छोड़ दो नो उन्होंने कहा नहीं यीशु सुन ला रे यीशु ने कहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं उन्हें कई वीडियो तो मिल रही मैं तेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा यीशु उन्हें तोड़ूंगा परमेश्वर जरूर तुझे छुएगा ये उन्हें काल अड़ची काल का मुख रत्त और रच दे तूने एक सेवक को मारकर नाक में से खून बहाने लगाया उन्हें तोड़ रहे तो मट्टी इल्ले सिर्फ केवल तुझे छूने नहीं ये पास्टर निपड़ा तू जरूर पास्टर के रूप में खड़ा रहेगा कहा அவங்க வந்து கையை தட்டி கத்தர துதிக்கிறாங்க சிர்ஃப் ஒயில ஹாத் தாலி பஜாக்கர் பரமேஸ்வர் கி ஸ்துதி கர் ரஹே நீங்க செய்யற ஊழியத்தை आप जो सेवकाई कर रहे हैं यीशु क्रिया सेवार जरूर परमेश्वर क्रिया करेगा हम बस ये वेंडी वेले मट्टू दा हम सिर्फ कार्य करना है कत्तर क्रिया सेवार परमेश्वर उसके लिए क्रिया करेगा पुलिस का रेला बना ये मारवड़ी इन्हें ना तगड़ा रे पागल आने से तो चुटते पुलिस ने क्या बोला कि क्या फिर से झगड़ रहे करके हमें बाहर निकाल दिया मैं पिक्चर देखने नहीं गया मैं रूम लो पे पढ़ते हो रहे मैं एक अपने कमरे में जाके सो गया अल्ले की रात्रि उस दिन रात में यीशु क्रिस्त दर्शन वागी यीशु मसीह का दर्शन पाया एक बड़ा प्रकाश मेरे और आया ये कन्नू ने पाक बड़ी ला मेरे आंख में वो रोशनी नहीं देख पा रहा ये हृदय तो परी ये वेलिच्छ तो पाते मेरे हृदय के अंदर एक बड़ा प्रकाश को मैंने देखा दान उन्हें विट्टी बिलको तो मिल मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा दान उन्हें कई उड़े तो मिल मैं तेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा अंदर सत्य तो काद ले कहते वो आवाज को मैं अपने कान में घुसते हुए सुना वाले बड़ंगाल फोटे तुरंत मैं अपने घुटने में आकर यीशु यीशु इन्हीं ने यारी यारी के बाटे मैं किसी को अभी नहीं मारूंगा कल्ला कुतिरा मेरे आँख को नहीं तोड़ना ஏனா எங்க இந்து எங்க மார்க்கத்துல வந்து சாமி கண்ணை குத்துன்னு சொல்லுவாங்க क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसे कहते हैं कि अगर आप किसी के विरोध करेंगे तो कण मूडी आंख आपके निकाल देगा ना कण मूडीட்டு பயந்துட்டு मैं अपने आंख को बंद करकर என்ன ஒண்ணும் பண்ணிடாதே मुझे कुछ नहीं करना करके அந்த பாஸ்டர் தான் என்ன முதல்ல அடிச்சாரு वो पासवान जी ने मुझे पहले मारा करके मैंने कहा ये पास्टर போய் பாரு आपने पास्टर को जाके देख मिलने के लिए कहा ये उठड़े मुझे मत कुछ कीजिए अपना भाई तुझे सुन रहे मैं से डर कर कहता हूँ बड़ी सत्य फिर से आवाज गूंजता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मैं कई वीडियो तो मिल रहे मैं तेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा हालेलुया अल्लाह की ना यीशु पाते उस दिन मैं यीशु को देखकर अप्पा कूपते अप्पा करके मैंने पुकारा हालेलुया हालेलुया சால்வேஷன் ரட்சிப்புனு சொல்றது உத்தார் ஜோ கேते हैं இயேசுவுக்கு நமக்கு இருக்கிற உறவு परमेश्वर को और हमारे बीच में वो एक रिश्ता है अन्ने की यीशु ஏத்திட்ட उस दिन मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया 7 वर्ष வீட்ல விட்டு துரத்திட்டாங்க 7 साल मैंने घर से बाहर मुझे निकाल दिया था சரியான கஷ்டம் बहुत संकट थी பசி भूख था रोड अनादिया रोड में अनाथ था आना कत्तर कई गड़वे इल्ले लेकिन उस समय भी परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ा नल्ला बाइबल पढ़िचे अच्छा बाइबल मैंने पढ़ा विश्वास तले थलंदु पोगवे इल्ले विश्वास में मैं कभी कमी नहीं हुआ विश्वास तले वेलिच्च इरुकणो विश्वास के अंदर हमें हमारे अंदर एक प्रकाश होना है इंग्लिश सुलवांगे ब्लाइंड फेथ ने इंग्लिश में कहता है अंधविश्वास ब्लाइंड होप னு சொல்வாங்க अंधविश्वास भरोसा அப்புறம் பைபிள்ல போட்டுக்குது குருட்டாட்டம் அப்படினு ஒன்று இருக்கு தமிழ்ல குருட்டாட்டம்ன்றது ब्लाइंडா சும்மா அப்படியே தடவி தடவி தெரியிறது
ऐसा एक तमिल में कहा है कि ऊपरी ओर से हम देखते हैं, ये सब परमेश्वर ने मेरे से छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। आशीर्वाद तो तेरी ही देर का गुना दे। हम आशीषित को नहीं ढूंढना है, लेकिन अल्लाह उर्दिया इरंदा आप से एक बात में स्थिर रहोगे तो आशीर्वाद तेरी वरो, आशीर्वाद आपके और ढूंढते हुए आएगा। ये दो कुछ नाल वर दे, सिर्फ थोड़े समय आता हूँ, अपने मैं कुछ नाल विटर दे, बाद में हम छोड़ देते हैं, कुछ नाल अपने तलंद पोर दे, फिर से हम दुखित होते हैं, अपनी रुक कुड़ा दे, ऐसे नहीं रहना है। यीशु को उल्लतल वंद प्रकाश इच्छा ना, अगर यीशु मसीह आपके हृदय में आकर प्रकाश होएगा तब अंधे वेलिच से निकलवे कुड़ा दे, वो प्रकाश जो है वो कभी बंद नहीं होना है। अंधे वेलिच से इतना हालेलुया, हालेलुया। अंधे वेलिच से इतना अनेक पाप आ गए, वो प्रकाश को है बहुत लोग देखते हैं। डिडी और उलिया कर रहे थे, अचानक एक सेवक आए, ये लो वर्षो सऊदी अरेबिया वाले उलिया कर लाके कोंड बैठा रहे, अचानक में आकर वो 7 साल सऊदी अरेबिया में मेरे को लेकर गए सेवक कर सेवकाई करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अल्लाह प्रकाश मार दी ना, अगर सच नहीं थी वही समाचार है आजकल की दुनिया में। कुरिंथियर दूसरा कुरिंथियर की किताब 6 अधिकारम नाला अधिकारम 4th अध्याय 6वां वचन 6वां वचन हिंदी लवासी के केटपो हम हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रकाशितार हमारे हृदय में चमका है। और प्रकाश जो सुसमाचार सुन रहे हैं उनके हृदय में परमेश्वर जरूर चमकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। உங்க மனசுக்குள்ள ரெண்டு கண்கள் இருக்குது, ஆப்கே மன் கே அந்தர் தோ ஆக் ஹே, ஒன்னு உலக பிரகாரமான கண்கள், எக் சன்சார் கே தோர் பே ஆக் ஹே, இன்னொரு கண்கள் மனக்கண்கள், எக் ஆப்கே ஹ்ருதய் கே அந்தர் கி மன் கி ஆக் ஹே। எதிர பே ஆமென் சொல்ல விரும்புறீங்க, எல்லாரும் ஆமென் கேனா சாத்தே ஹோ। ஹalleluya, ஹalleluya। இந்த பிரபஞ்சத்தின் தேவன், இஸ் சன்சார் கா பரமேஸ்வர், அப்பனா என்ன சொல்ற பிரபஞ்சத்தின் தேவன் யாரு, சன்சார் கா பரமேஸ்வர் கோன் ஹே, சாத்தா। அவன் என்ன பண்றான்னா, वो क्या करता है, எல்லாரோட மனசையோ सबके मन को செல்போன் வந்த பிறகு, जब से செல்போன் आया है, அத பாக்க பாக்க उसे देखकर देखकर அவங்க மனசுல இருக்க கண்ணு குருடாயிடுது, उनके मन की आंखों को अंधा बना देता है। कितने लोग आमेन कहना चाहते हैं, प्रसंग आज का समाचार क्या है, वार्ते क्या परमेश्वर का वचन है, अपने हाथों को अपने हृदय के ऊपर रखकर ये सपा यीशु, ये सपा यीशु, ये सपा ये सपा, हाँ ये सपा, हिंदी अब्बा अब्बा अब्बा, हाँ ये सपा, प्रकाशिंग मेरे हृदय में प्रकाशित हो, ये हृदय प्रकाशिंग मेरे हृदय में चमके, ये हृदय प्रकाशिंग मेरे हृदय में चमको। यीशु वेलिले पाक मुड़िया दे, यीशु को बाहर नहीं देख सकते हैं, यीशु पाक लेना, अगर यीशु मसीह को देखना है तो कन्ने मूड़ी अपने आँखों को बंद कर हृदय को पाक मुड़िए, आपके हृदय के अंदर ही आप देख सकते हो। यीशु आविया इरुकिरार, ये यीशु मसीह जो है आत्मा में जीते है, इवर वंदु जीवना इरुकिरार, ये जीवित है। इनके अनेक हृदय आज के दिन में बहुत लोगों के हृदय में कंकल तिरक पड़ो, उनके हृदय की आंख को खुलता है, एक बड़ा प्रकाश आएगा, जरूर परमेश्वर एक प्रकाश आपके अंदर देगा। भूमि के अंदर परमेश्वर एक दिन इस संसार में आया, ये कड़वे पिछड़ी अगर कष्ट तो सोलह सभी लोग उनको पकड़ कर अपने दुख तकलीफ बांटने लगे। यीशु ने क्या कहा, कहाँ जाकर छुपू करके मैं नहीं जानता हूँ, मनुष्य हृदय वो देखे अपने हृदय के अंदर छुप गया, मनुष्य हृदय मनुष्य के हृदय में जाके छुपने के बाद यार कंडपिड़े वो किसे भी ढूंढ नहीं पाए, ये ना मनुष्य पड़ रहा, क्योंकि मनुष्य क्या कहता है, क्योंकि मनुष्य क्या करते अपने हृदय के अंदर के प्रकाश को नहीं देखता। यीशु पाकड़ा, अगर यीशु को देखना है तो यीशु ऐतकड़ा, जब यीशु मसीह को स्वीकारना है एक ही विचार पे आपको उतने स्वीकार करना है। यीशु मंडी पे कुड़कुरार, यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, समाधान ते उंड पड़कर पुर पे एड़ते कुड़कुरार, हमारे अंदर समाधान का ये क्षमता देता है, बाल वलिकिर वार्ते गले तरगरा, हमें जीने के लिए वचन देता है, वर्गे की आयत तो माके गरा, उनके आगमन के लिए हमें तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। बल्ले खाई गले जल्दी करते स्तोत्र बने के मांगला, ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे।
ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி एक 10 साल के पहले நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பாஸ்வான் ஜி பிரச்சார் कर रहे थे हार्ट अटैक வந்து हार्ट अटैक आकर मैं सती बेटेनु सोली मैं मर गया कर कहकर हॉस्पिटल कोट बेटा गए हॉस्पिटल में लेकर गए आग हॉस्पिटल में डॉक्टर से ना बनला गए हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या कहा ये हार्ट अटैक ले पईटा रे ये हार्ट अटैक में चले करके कहा आना गए सीएसआई डॉक्टर वहां पर एक सीएसआई का डॉक्टर थे लुईस फिलिप ने पैर उनका नाम लुईस फिलिप था और अपोलो ले ग्रीव्स रोड और अपोलो ले डॉक्टर का रे अपोलो हॉस्पिटल में वो एक डॉक्टर थे और इन्होंने सुना ना उन्होंने क्या कहा और पास्टर का बदला एक पास्टर जी को जिलाना है तो और पाले बकरी के भाई उन्हें सेवा रे वो बहुत लोगों के लिए सेवकाई करेंगे और सेतु बड़ा कोई परवाह नहीं मरेंगे तभी चलेगा मैं उनका ऑपरेशन बन रहा मैं उनको ऑपरेशन करूंगा मेरे हाथ ले मून बाईपास सर्जरी பண்ணாங்க उनके हाथ में तीन बाईपास सर्जरी किया है அதுக்கு பிறகு ரெண்டு ஸ்டெட் வச்சாங்க लेकिन दो ஸ்டெட் रखा है அதுக்கு பிறகு வால்வ் போயிடுச்சு उसके बाद वाल्व चला गया ரொம்ப நாள் கொஞ்ச நாள் 3 மாசம் கோமா ஸ்டேஜில இருந்தேன் 3 महीना कोमा स्टेज में थे அடிக்கடி 10 வருஷமா பாஸ்டர் செத்துட்டாரு இது காதுல கேட்டு கேட்டு எனக்கு சிரிப்பு வர தொடங்கிடுச்சு 10 साल से பாஸ்டர் ஜி मर गए करके सुनकर ही मेरे को हंसी आने लगा हां वो उंगली उंगली निकले लेकिन आज भी मैं आपके सामने जीवित हूं मेरे अंदर साक्षी जीवन साक्षी ये एक जीवित गवाही है यह काल नरम कड़िया पासवान जी के पैर में नस नहीं है ये लाल नील पेस से बढ़िया है खड़े रह के बात नहीं कर सकते हैं ये कुल यार आज कहीं ऊपर से कूटी नहीं पोनो मुझे हाथ पकड़ कर कोई चलाना है अब कट्टे सुनना रे लेकिन तब परमेश्वर ने कहा मैं उनके कन्न कुड़पे मैं तुझे आंख दूंगा अधिक मेल उनके कई कुड़पे मैं और एक हाथ भी दूंगा इंदी यार की ऐसा पड़े कई यह कुड़े रुके आज तक परमेश्वर का हाथ मेरे साथ है ओवर तेरे कई ऐसा पापड़ी पारे आप सभी का हाथ परमेश्वर परमेश्वर की लड़ते वाले वो आपको अंत तक चलाएगा ரெண்டு நம்ம பரலோகத்துக்கு போறப்ப நமக்கு எல்லாருடைய கண்களையும் பெரிய வெளிச்சம் இருக்கும் पर हम जब स्वर्गराज जाएंगे तब सभी की आंख में परमेश्वर का रोशनी चमकेगा हालेलुया 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 அப்ப செய்தியோட தலைப்பு என்ன ये समाचार का उद्देश्य क्या है அந்த வசனத்துல போட்டிருக்குது वो वचन में कहा है எங்கள் இதயத்தில் பிரகாசித்தார் हमारे हृदय में चमका है என்ன பிரச்சனை क्या समस्या है ரெண்டு கொரிந்தியர் 4:4ல दूसरा கொரிந்தியர் के 4:4 में हिंदी में पढ़िए सिस्टर हिंदी में पढ़ते हैं और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर की प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके ये बार गए इनकी कड़ी नाटकल எல்லாருமே மனச குருடாக்கிறா देखो ये अंत के समय में वो आपके हृदय को अंधा बना देता है मनुष्य में प्रकाश अंधा मुख्य हो आपके हृदय में सिर्फ प्रकाश ही जरूरत है इनकी उलग मक्कल अत्तने पेरो इस संसार के सभी लोग वलद कई क्यों इड़द कई क्यों वित्तिया से तेरी ले दाहिने और बाएं हाथ का उनको फर्क नहीं जानते देवन सुन ला रहे लेकिन परमेश्वर कहता है निनवे पटन तले निनवे के गाँव में वलद कई क्यों इड़द कई क्यों वित्तिया से तेरी आगे दाहिने हाथ और बाएं हाथ के जो उनका फर्क नहीं पता है उनके मन की आंख जो है वो अंधा हो चुका है இந்த பிரபஞ்சத்தின் கடவுள் इस पृथ्वी का जो परमेश्वर है இந்த உலகத்தின் பிசாசு जो शैतान है संसार का எல்லாருடைய கண்களை குருடாக்குறா सभी की आंखों को अंधा कर दिया है எதுமே பாவம் இல்லன்றா कोई भी कुछ भी पाप नहीं है करके कहा है எல்லா விஷயத்தையும் துடிகரமா செய்றா सभी कार्य है आप हिम्मत से कर सकते हो फोनல சிப் வச்சது போய் फोन में जो मेमोरी कार्ड रखा है இப்ப மனுஷ மூளையிலேயே சிப் வைக்கிட்டா अब इंसान के दिमाग में भी சிப் रखने लगा மூளைக்குள்ள கையில இல்ல சிஸ்டர் மூளையில வந்து சிப் வைக்கறாங்க हाथ नहीं अपने भेजे के अंदर वो चिप रखा है சோ மனுஷ இயந்திர மாதிரி ஆயிட்டா वो मनुष्य है जो वो तंत्र बन गया है अब मनुष्य कुरुड़ाई पोची उनके मन अंधा हो गया है இரக்கத்த பார்க்க முடியல वो उजाला नहीं देख पाता அன்பு பார்க்க முடியல प्यार नहीं देख सकता அன்பு தணிஞ்சு போகுது उनका प्यार जो है वो मिटने लगा है फरवरी 14 தேதி கொண்டாடனதா அன்பு இல்ல फरवरी 14 को मनाना है वही सिर्फ प्यार नहीं नवंबर 14 की जागृति இருக்கணும் नवंबर 14 को आप जागृत रहना है சிரிக்கிறீங்க புரியுது
அப்ப நல்லா கவனிங்க अच्छा ध्यान देके सुनिए शरीर அன்பு மாறிடும் शरीर का प्रेम जो है वो बदल जाएगा தேவன் தான் அன்பா இருக்காரு परमेश्वर ही हमारे ऊपर प्रेमी है தேவ அன்பு இருந்தா जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहेगा மனுஷ அன்பெல்லாம் நமக்கு சேர்ந்து வரும் मनुष्य का प्रेम जो है वो साथ में आएगा देव अनु मुदी पोना अगर परमेश्वर का प्रेम पहला स्थान नहीं देंगे तो एल्ला मनुष्य शत्रु सभी मनुष्य हमारे विरोध में शत्रु बन जाएंगे मनसली देव अनु ऊट पड़ो सभी के मन में परमेश्वर का प्रेम उंडेल दीजिए मनुष्य कुमार वरुम विश्वास कानबारो जब परमेश्वर उतर के आएगा जब आप विश्वास नहीं जान लेंगे विश्वास अब किसी के अंदर विश्वास नहीं रहा काम काम करके काम के पीछे दौड़ते हैं पढ़ो 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 पैसा पैसा पैसे करके पीछे दौड़ते हैं पावो 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 दौड़ रहा पाप करके पाप के पीछे दौड़ते हैं वो मनुष्य को नहीं उद्धार करता तराते वो आपको समाधान नहीं देगा बाइबल पिलयाम बाइबल में पिलियास करके एक व्यक्ति है और सुन रहा रे उन्होंने कहा ना कंगल तिरक पट्टवन मैं अपने आँखों को खोला हूँ अरे ये और अपनी सुन रहे वो क्यूँ उन्होंने कहा है और सुन रहा रे उन्होंने कहा कंगल तिरक पट्टे मेरे आँख खुला है आपके आँखों को खुल गया है आना लेकिन देव दूतन बंद निकला जब स्वर्ग का दूत आपके सामने के खड़ा रहता है कवि की कन्न तेरी वो गधे को भी आँख दिखता है पीलयाम की कन्न तेरी लेकिन वो पिलियास को आँख नहीं दिखता कवि बोलते पीलयाम अड़िकिरारे वो गधे को पिलियास मारता है अब कवि सोलते जब वो गधा कहता है नी कन्न तेरी सोल रहे तो आग दिखता है करके कहता है आग खुला है करके कहता है कन्न तेरी क्या आपको आग दिखता है कि नहीं करके गधा पूछता है मुन्नकी देव दूत निकिरा सामने स्वर्ग दूत खड़ा है भयमा इरुक्कुदु मुझे डर लग रहा है ये इन्हें बोट सुम्मा अडिक्किरा क्यों मुझे आप बेवजह के मार रहे हो आप नल्ला गवनिंग है अच्छे से ध्यान दो मन कण्कल तिरक्कपट्टादा मन की आँखों जब खुलेगा तब नीगे देव दूत पाक मुडियो आप स्वर्ग दूत को देख सकते हो परलोकते पाक मुडियो स्वर्ग को देख सकते हो येशु को पाक मुडियो येशु मसीह को देख सकते हो नल्ला कैगल चड्डी करते तुरिके पाकला अच्छा हाथ ताली बजाकर परमेश्वर के नाम पिलिया का नाम जो है उनके आँख खुल गया है लेकिन सामने खड़ा वो स्वर्गदूत नहीं दिखता है इस्राएल मक्कल सभी के पोना पैसे के लिए वो इसराइल के देश को श्रापित करने गए थे इसराइल मक्कल सभी के मुड़िया इसराइल के लोगों को श्रापित नहीं कर सकते मैं कहता हूँ நீங்க எடுத்துக்கிற பைபிள் உயிர் உள்ள பைபிள் जो आपने लिया वो बाइबल है वो जीवित बाइबल है இந்த பைபிள்ல உயிர் இருக்குது ये बाइबल में जो है वो जीवन है இத படிக்க தொடங்கன உடனே உள்ள யார் சபிச்சாலோ அவன கர்த்தர் சபிப்பார்னு வசனம் சொல்லுது ये बाइबल जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको कोई भी आप श्रापित नहीं कर सकता உன்னை சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்படுவார்கள் आपको जो श्रापित करेगा वो परमेश्वर उन्हें श्रापित करेगा இது நான் சொல்ற வார்த்தை இல்ல பைபிள் வார்த்தை मैं नहीं कहता हूं ये बाइबल के वचन कहां है यार ஆசீர்வதிக்கிறாங்கள कौन तुम्हें आशीषित करेगा उन्हें मैं आशीषित करूंगा करके वचन कहा है कड़ेसी वरकियो कितने लोग आप चाहते हो कि अंत तक परमेश्वर के लिए मैं खड़ा रहूंगा हालेलुया 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 आप परमेश्वर के लिए अंत तक स्थिर खड़े रहना है जनगले सबिकवे मुड़ीले पिलियान जाके कितने लोग में कहने के बाद भी वो श्रापित नहीं ठहरा गए वेदम சொல்லுது தேவன் சாபங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றினார் शास्त्र में वचन कहा है जो श्रापित है परमेश्वर उसे आशीषित में बदल देता है நீங்க ஆசீர்வாதமாய் மாறுவீங்க जरूर आप भी आशीषित में बदल जाएंगे கடைசியா நான் ஒன்னே ஒன்னு சொல்லி முடிக்க போறேன் अंत में एक वचन कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं தேவன் मन कण्लो मन कण्लो रिपोरे जो मन की आग को बंद है जो मन की आग उन जिन्होंने दिखता नहीं है उन्हें परमेश्वर दो तरह में बांटता है வெள்ளாடுகளையும் செம்மறியாடுகளையும் தேவன் பிரிப்பார் जैसे भेड़ और बकरी को अलग अलग करते हैं அப்ப சொல்வாரு उसी तरह நான் பசியா இருந்தேன் எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தீங்க मैं भूखा था मुझे आपने भोजन दिया நான் வியாதியா இருந்தேன் என்னை வந்து விசாரிக்க வந்தீங்க मैं बीमार था आपने मुझे पूछताछ करने आए हैं நான் காவல்ல இருந்தேன் எனக்கு தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்தீங்க मैं अकेले में था मुझे रहने के लिए आपने जगह दिया
वस्त्र वस्त्र मेरे पास कपड़ा नहीं था, आपने मुझे कपड़ा दिया। अब सभी लोग ने क्या मांगा था? उलगे संसार में एक दिन भी परमेश्वर बीमार नहीं था। இயேசு கிறிஸ்து ஒரே ஒரு தடவை பசியா இருந்தாரு, அப்ப அவர் போய் அத்தி மரத்தை போயிட்டு அங்க போய் பழத்தை சாப்பிடுறதுக்கு போனாரு. ஸ்ரீ பரமேஸ்வர் एक ही दिन भूखा था कि वो एक दिन वो अंजीर का पेड़ में जाके वो अंजीर निकाल के खाने गया था. நீங்க அத்தனை பேர் என்ன செய்யணும்னா आप सभी लोग क्या करना है? உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் आपसे जितना हो सके उतना நீங்க மத்தவங்களுக்கு பசியாக்கவங்களுக்கு உங்க கையில கிட்ட கொடுத்துருங்க. जो दूसरे भूखे हैं आपके हाथ में जो है वो आपको बांटना है. यार எனக்கு கொடுத்து எனக்கு ஒன்னு தெரிய போறது இல்ல, நான் மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படி உங்க கையை உயர்த்துங்க. இன்னைக்கு உங்க கைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும். कोई मुझे देगा करके वो अपेक्षा में नहीं, मैं दूसरे को देना है करके ऐसा आप मन आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा. कष्ट जो तकलीफ में कष्ट में है मैं उनको भोजन दूंगा. ना वस्त्र मैं उन्हें कपड़ा दूंगा. ना மத்தவங்களுக்கு தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுப்பேன். நான் दूसरेக்கு रहने के लिए स्थान दूंगा. நீங்க மனுஷனுக்கு கொடுக்கல, आप मनुष्य को नहीं दे रहे हो. இந்த சிறியருக்கு என்ன செய்றீங்களோ आप वो गरीब को करते हैं. अरे यीशु का செய்றீங்க, यीशु मसीह के लिए आप कर रहे हो. கைகளை தட்டி கட்டி துதிங்க, ताली बजाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे. இனிமேலோங்க உங்களுடைய வீடியோ தெரி விட்டு கூட அது வரும்போது நான் जब अगले साल आऊंगा तब ரெண்டு மடங்கு ஜனங்களை கட்டி கொடுப்பாரு. சோ டபுள் டோகுனா அவர் வியக்தி बढ़ना चाहिए. अपने आगे पैर बढ़ाया वो पीछे नहीं लेना है. यीशु उल्टी पिन मारी था, यीशु को छोड़ के जब पीछे जाएंगे तब वो बलि इल्ले उसमें मार्ग नहीं है. नम्बर यीशु कुछ कृपा द्वारा बलि हमारे यीशु मसीह जो है वो कृपाशाली परमेश्वर है. जवलो कष्ट डालो, कितने भी समस्या है, जवलो नयनंज कावी डालो, कितने भी संकट है, उनका मनुष्य लेकर कंजल बटो आपके मन की जो आंख है वो हमेशा चमकने के लिए आप रोशन करके रखिए. आमीन करना चाहते हैं. बॉम्बे पटेल आशीर्वदिक्कपडो, ये बॉम्बे शहर जो है वो आश्रित होगा. ऊर्जा आशीर्वदिक्कपडो, आपके सेवक सेवका ये आश्रित होगी. आशीर्वदिक्कपडुवींगे, आप आश्रित होंगे. रेंडु कैया उयर्त्ति सोलनो, आप जब बोर में उठते हैं आपके दोनों हाथों को उठाकर कहना है ना पसी आए करके साफ पड़ गए हैं. मैं जो भूखे हैं मैं उन्हें भोजन दूंगा करके कहना है. कष्ट पर रहने के लिए उधर भी सही है. तकलीफ में है मैं उन्हें मदद करूंगा करके आपका ये सब और अंबे सोलू है. मैं यीशु मसीह का प्रेम को बांटूंगा. अगर अड़चाल परवाही वो मुझे मारेंगे तो भी चलेगा. अगर किडल फैलाने परवाही वो मुझे तिट्ठा उड़ाने से भी चलेगा. ये सब कह मैं यीशु मसीह के लिए खड़ा रहूंगा. कट्टर अल्लाह आशीर्वदी परमेश्वर आप सभी को आश्रित करेगा. कई और पुड़ी पारे आपके हाथों को वो पकड़ कर और कई पुड़ी पड़े वो आपके हाथों को पकड़ने के बाद आशीर्वाद मारवींगे, जरूर आप आश्रित में बदल जाएंगे. यार आशीर्वदीपीलो, आप किसको आश्रित करेंगे? आशीर्वाद मार पांगे, जरूर वो आश्रित रहेंगे. पीले आपके कंगे तिरक पटे सुना रहे जैसे पिलियास को उनके आंखें खुला कहा और आशीर्वाद के पड़े लेकिन वो आश्रित नहीं हुए. आना पौलुस पारे लेकिन पौलुस देखिए कंगे उनके आंख में से जो बाल है वो गिरने लगा. पौलुस के सायंकालम आना और कण सरिया तेरिया दे पौलुस को जो शाम के समय उन्हें आंख नहीं दिखता था. कंगल और तन्नी मारी कोटिटे इरको आंख में से सिर्फ पानी बहता है. यला यीशु वेलिचमा कन्न पाता रे क्योंकि वो यीशु मसीह को वो प्रकाश में उन्होंने अपने आंखों से देखा था. अनाल और कंगल ने प्रचन है इसलिए उनके आंखों में वो समस्या आई. अनाल यीशु यीशु पौल वंदे यीशु का हृदय तले पाता रे लेकिन पौलुस जो है वो अपने हृदय में यीशु मसीह को देखा. तिरुविरुद्ध कुड़कर पति एड़दना रे जब परमेश्वर के भोजन के बारे में उन्होंने लिखा. तिरुविरुद्ध कुड़ जब पौल रंदा रा जब परमेश्वर का भोजन देने के टाइम जब पौलुस थे के वहां पर இல்லை அது எப்படி எழுதினாரு वो कैसे उन्होंने लिखा அவர் இதயத்தில் கர்த்தர் பிரகாசிக்க வைத்தார் क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर ने चमकाया. இங்க இருக்கிற பிள்ளைகள் விசுவாசத்துல உறுதியா இருப்பீங்க. आप लोग जो है उनके विश्वास में स्थिर रहना है. கலப்பு மேல கை வச்சு நீங்க பின்மாற கூடாது. आप जिसके ऊपर भरोसा रखे अपने आगे बढ़े वो पीछे नहीं होना है. இங்க உங்க மனக்கண்கள் திறக்கப்படும். आज के दिन आपके मन की आंखों को खोल दिया गया है. இங்க உங்க மனக்கண்கள் பிரகாசிக்கும். आपके मन की आंख में चमकेगा. எந்த கண்ணு பார்த்தல மனக்கண்களை பிரபஞ்சத்தின் தேவன் குருடாக்காம பாத்துக்கணும். आपका कोई भी आंख बंद हो लेकिन आपके मन की आंखों को शैतान से बंद होना ना दे वैसे आपको उसमें ध्यान देना है.
உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறாரு. பரமேஸ்வர் உங்களை ஆசீர்வித் करता है. உங்களை யாரும் சபிக்க முடியாது. आपको कोई भी श्रापित नहीं ठहरा सकता. எத்தனை பேர் இயேசுவுக்காக ஊழியம் செய்ய போறீங்க? कितने लोग आप यीशु मसीह के लिए सेवकाई करना चाहते हैं? அநேகர் கைகளை உயர்த்துறாங்க. बहुत लोग अपने हाथ எல்லாரும் கைகளை உயர்த்துறாங்க. बहुत लोग अपने हाथ எல்லாரும் ஒப்பு கொடுக்குறாங்க. सभी लोग अपने आप को समर्पित करते हैं. இந்த இதயத்துக்குள்ள இயேசு பிரகாசிப்பாரு. जरूर आपके हृदय में यीशु मसीह चमकेगा. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு. परमेश्वर आपको आशीष करेगा. நாங்க தொடர்ந்து ஜெபிக்க போறோம். हम स्थिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे. எல்லாரும் கைகளை தட்டி கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். हम ताली बजाकर परमेश्वर के लिए महिमा करेंगे. ஒரு பாடல பாடும்போது जब हम एक गीत गाएंगे நீங்க கண்களை மூடி हम अपने आंखों को बंद करकर உங்க பைபிளை கையில வச்சி आपके बाइबल को आपके हाथों में लेते हुए சொல்லுங்க இயேசுப்பா இயேசு மசீ எவ்வளவு ஆசீர்வதிச்சாலோ कितना भी आप आशीर्वाद करो நான் பின்மாற மாட்டேன் मैं आप पीछे नहीं हटूंगा நீங்க என்ன எவ்வளவு உயர்த்தினாலோ आप मुझे कितना भी ऊंचा करेंगे நான் தாழ்மையா இருப்பேன் मैं हमेशा नीचा ही रहूंगा இந்த பிரபஞ்சத்தின் தேவன் इस संसार का जो शैतान है मन कण्களை குருடாக்க முடியாது मेरे मन की आंखों को अंधा नहीं कर सकता இன்னிலிருந்து आज से यह मन कण்களை मेरे मन की आंखों को எனக்கு பிரகாசமாக்குங்க आपने प्रकाशित करना है நான் அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்தேன் मैं वो प्रकाश को देखना चाहती हूं या चाहता हूं 40 வருஷமா உயிரோட ஊழியம் செய்றேன் 40 साल से मैं जीवित सेवकाई कर रहा हूं हालेलुया हालेलुया எனக்கு இப்ப வயசு 59 पासवान जी का उम्र जो है 59 हो गया है जीवन परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया है अपने जीवन परमेश्वर आपको भी ऐसे जीवन देगा नल्ल अच्छा आपको पारिवारिक जीवन देगा नम वयित्तु पसिक्कु शरीर पसिक्कु तेड़ वेंडिय अवश्यमे इल्ल हम पेट के भूख और शरीर के भूख को हमें ढूंढना नहीं है कर्तृडे जीव अपत्त पसिक्कु नमक्कु हम परमेश्वर की जीवन के वो रोटी जब खाएंगे नमक्कु जीवन कर्तृ कोडुप्पारु परमेश्वर हमें जीवन देगा कर्तृडे आशीर्वदिप्पारु परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा ओरु पाडले उणर्ंदु पाडुवोमा हम एक गीत को महसूस करते हुए गाएंगे हिंदी में எந்த பாட்டு நல்ல ஒப்பு கொடுக்கிற பாட்டா இருக்குது ऐसे हिंदी में कौन सा गीत है कुयवणे 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 हिंदी में सा हिंदी ல தெரியாது हिंदी ல என்ன பாட்டு இருக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற பாட்டு இயேசுவின் பெண்ணே போக துணிந்தேன் அது हिंदी ல கிடையாது அது हिंदी ல இல்ல மே ஆதாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டா இருக்கணும் प्रार्थना करना जा रहे हैं ना सोरे जब तो सेद सोलेंगे मैं जो प्रार्थना बोलूंगा उसके पीछे आप दोहराना है आयर तलेवरे गलक हजार गुना के अधिक परमेश्वर இரக்கம் செய்கிறவர்கள் இயேசுவே हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाले यीशु मसीह இந்த நாளிலோ आज के दिन में உங்க கையை எல்லாம் இதயத்துல வச்சிங்க आपके हाथों को हृदय में रख लीजिए सगळे आपले हात आहे ना हृदयावर ठेवा ओके இயேசுவே இயேசு எங்க இதயத்துல நீங்க பிரகாசிக்க வைங்க हमारे हृदय में आप प्रकाशित कीजिए या இதயத்துக்குள்ள இயேசுவை பார்க்கணும் मेरे हृदय के अंदर मैं यीशु को देखना चाहती हूं या चाहता हूं ये காதுல இயேசுவோட சத்தத்தை கேட்கணும் मैं अपने कान में यीशु की आवाज को सुनना चाहता हूं இயேசுவுக்காக நான் கொடுக்கணும் यीशु के लिए मैं देना हूं இயேசுவுக்காக பாம்பே பட்டணத்துல ஊழிய செய்யணும் यीशु के लिए इस बॉम्बे शहर में मैं सेवकाई करना चाहता हूं என்னோட ஆவி மேரா ஆத்மா என்னுடைய శరీర மேரா శరీర எல்லாத்தி இயேசுவின் நாமத்தில் மேரா பிராண இயேசு மசீகே நாம से பிரதிஷ்டை செய்கிறேன் मैं अपने आप को समर्पित करता हूं என் ஆத்மாவே கர்த்தரே ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே பத்ரே ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல வாரில் மறவாதே ஆமென் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியே மாறாதே இனிமையான தேவனுடைய திருமுக பிரசன்னமும் உங்களோடும் குடும்பத்தார் அனைவரோடும் கிறிஸ்துவின் மகிமை பொருந்திய நாள் வரைக்கும் அனைத்து தேவ ஊழியக்காரர்களோடும் பாம்பே பட்டணத்தோடும் கிறிஸ்துவின் நாள் வரையும் கூட இருந்து வழி நடத்துவதாக ஆமென் ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க எஸ்சிஎஸ் மீடியா
SCS मीडिया करके அந்த YouTube சேனல்ல आपके मोबाइल में YouTube चैनल में இன்னைக்கு நம்ம பண்ண பிரசங்கம் அப்படியே வரும் आजका दिन में जो चलाया गया है वो प्रचार वो उसमें आएगा वो पार्टे வரும் आपने जो गीत गाया है वो भी आएगा அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए அதுல கண்டிப்பா நிறைய காரியங்களை உங்களுக்கு பிரயோஜனமான காரியங்களை கொடுப்பாங்க बहुत सारे आपके लिए बहुमूल्य जो कार्य है उसमें आएगा SCS மீடியால நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க SCS मीडिया करके है जो यूट्यूब चैनल है आपको उसे सब्सक्राइब कीजिए आशीर्वाद उंडागट्टो परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ बनी रहे दो महीने के बाद मैं ये पनवेल शहर में एक विवाह के लिए आने वाला उस समय पर यहाँ पे अपने लोग जो है दो गुना बढ़ना चाहिए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये लार्क नंद्री सभी के लिए धन्यवाद पासवान जी का नाम क्या है चंद्रशेखर गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस थैंक यू जय मसीह की अंतिम प्रार्थना करेंगे उसके पहले एक छोटा सा एक गवाही है छोटी सी गवाही सुनेंगे जिसमें सिल्वी मुत्तु कुमार देवेंद्र आगे आएगी